जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है, थोड़ा सा कैमरे को पास ले आते हैं, हाँ, इस टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में दो टाइप का होता है, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो या तीन वीडियो के अंदर कवर होगा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी आज हम सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेड डालते हैं, बिल्कुल प्यार से कॉपी को उठा लीजिए और लिखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आपको याद ही होगा, नोट्स आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर दिए गए हैं, मेरे ख्याल से ब्लड वेसल्स तक के नोट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। तो आज हम ब्लड तक पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, ब्लड, ब्लड का फंक्शन, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, सब कुछ अपडेट पढ़ेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं। देखिए, पहली चीज अगर आपको मैं याद दिलाऊं, सिस्टम का नाम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। अब देखिए, इसके कंपोनेंट अलग से आपको ना याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग सोचेंगे तो आपको तो समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड। तो इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट हो गया ब्लड, साफ सीधी बात, ठीक है। अब ब्लड तो सॉलिड तो है नहीं, ब्लड क्या है, लिक्विड। और जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है उसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, पाइप्स चाहिए होता है। उसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होती है, टनल्स चाहिए होती है, है ना। जैसे घर में पानी चाहिए दूसरे का फ्लो करवाते हो तो पाइप से करवाते हो ना, ऐसा नहीं कि हम जैसे फौरन मार दिया पानी उड़ता हो जा रहा है, नहीं ना, ऐसे नहीं करते, है ना। क्या करते हैं, पतली पतली पाइप्स होती हैं, ठीक है, जितना पानी आ रहा है हिसाब से। तो सेम तरीके से हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है तो ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में खुल के ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो नैरो नैरो पाइप्स के थ्रू करता है, वेसल्स के थ्रू करता है, उनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट फुल हो गया, ब्लड वेसल्स, स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग को गारंटी नहीं, ठीक है, ब्लड वेसल्स थर्ड पार्ट। अब आप मुझे बात बताइए, ठीक है, मान लो ब्लड यहाँ है, एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो ब्लड यहाँ है, ठीक है, इधर है, चेस्ट के पास है, और ब्लड को फिंगर टिप तक पहुंचना है, ठीक है, फिर उसके ब्लड को घूम कर दोबारा वापस आना है, ठीक है, और फिर उस ब्लड को ब्रेन में भी जाना है, नीचे भी आना है, मतलब ब्लड को मेरी थ्रू आउट बॉडी में ट्रेवल करना है। तो ट्रेवल करवाने के लिए एक फोर्स तो चाहिए, मोटर से पानी खींचते हो ना, मोटर कैसे करती है, ग्राउंड लेवल से पानी खींचती है, ऊपर फोर्स लगाती है ना। कोई सिस्टम ऐसी से किसमें है, जब जैसे मान लो नीचे जाना है ब्लड ने, तो मैं मानता हूँ चलो नीचे ग्रेविटी चली गया, लेकिन जब ब्लड घूम के दोबारा वापस आएगा, सर्कुलेट करता है ना पूरी बॉडी में ब्लड, ये थोड़ी ही जो नीचे गया ब्लड वो बाहर निकल गया, फिर नया ब्लड आ रहा है कहीं और से हमारी बॉडी में, फिर बाहर चले गया, ऐसा नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो मैं एक टाइम को मान लेता हूँ कि नीचे का जब ब्लड नीचे जा रहा है तो भाई ग्रेविटी चले गया, लेकिन जब ब्लड ऊपर आएगा तो वो कैसे आएगा, ठीक है। तो वहां पर काम करता है हार्ट, हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, क्या करना, पंप करना, प्रेशर करना। तो क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड से लिंक्ड है, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। हार्ट माने ऐसे बता, दिल लिखना है, दिल में सोनम बेवफा है, ये काम होता है दिल का, ये काम नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी, मेरा बाबू चलेगा, मेरा सोना चलेगा, नींद नहीं आएगी, दिल की धड़कन रुक गई। अब भाई दिल का सिर्फ एक काम होता है, ठीक है, दसवीं में हो अभी से याद रख लो, टू पंप द ब्लड एंड नथिंग एल्स, ब्लड को पंप करना, इसके अलावा कुछ काम नहीं होता। मेरा बाबू चले जाएगा, धड़कन रुक जाएगी, सोना चले जाएगी, धड़कन रुक जाएगी, अब चल धड़कन रुक जाएगी तेरी, कुछ भी कर रहे हैं, तीर चला रखे, पेड़ों पे लिख रहे हैं ऐसे करके, ये ऊपर नाम लिख दिया, नीचे बंदे का नाम लिख दिया, या ऊपर बंदे का, नीचे बंदे का, कुछ भी लिख रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं वहाँ पेड़ों पे खोद खोद के, ये काम होता है दिल का, दिल ऐसा होता ही नहीं, कुछ भी जो भी है अच्छा लगता है, लेकिन सोनम तो लेकिन बेवफा है, ठीक है, समझ आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे तीन कंपोनेंट होने वाले हैं, सबसे पहला जिसको फैलना है, जिसको जाना है वो है ब्लड, दूसरा जिसके थ्रू जाना है वो है ब्लड जो लेके जाएंगे, और तीसरा जो पंप करेगा, जो पहुंचाएगा जगह जगह, उसको बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं उसे, हार्ट, सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है।
ब्लड वेसल्स हमारी तीन तरह की होती है, एक होती है हमारी आर्टरीज, एक होती है हमारी वेन्स और एक होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज। क्या होते हैं इनके फंक्शंस वो भी आप लोगों को अगली वीडियो में समझ आने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला और सबसे प्यारा टॉपिक, इसका नाम है ब्लड। क्या नाम है इसका? नाम है ब्लड। देखिए क्या है ब्लड, समझने को करते हैं। ब्लड इज बेसिकली अ रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज बेसिकली अ रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये रेड क्यों होता है, इसको इसका रेड होने का कारण क्या होता है? इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन, नोन एज हीमोग्लोबिन। सही बात है कि नहीं बात है? अब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है भाई साहब? हीमोग्लोबिन ही मेन रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन ट्रेवल करता है वो हीमोग्लोबिन से मिक्स होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है और तभी हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। सही बात है कि नहीं बात है, है ना। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है। डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड की गई है। ब्लड के कंपोनेंट देखिए, ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है ब्लड का, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बेटे? प्लाज्मा। सेकेंड कंपोनेंट जो होता है ब्लड का बेटे, आरबीसीज। क्या होते हैं बेटे? आरबीसीज। थर्ड कंपोनेंट जो होता है बेटा, डब्ल्यूबीसीज, पता नहीं कितने बीसी हैं। फोर्थ होता है, इसको बोलते हैं बेटे प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इसे? प्लेटलेट्स। अब ये बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट की, ठीक है। इसका नाम है प्लाज्मा। इसका नाम है क्या? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज समथिंग लाइक वाटर ऑलमोस्ट। रेड के मतलब ब्लड के अंदर एक ऐसा फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, और ब्लड को रेड कलर देने में इसका जरा भी योगदान नहीं है, ठीक है। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लड रेड है कैसा है, क्योंकि इसका खुद का कलर होता है पेल येलो। कैसा कलर होता है इसका? पेल येलो या फिर कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस होता है। और इस प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम इसकी जो अमाउंट है, मैक्सिमम इसकी कंसेंट्रेशन है, वो 90% वाटर है, और बाकी इसके पास 10% न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि भाई जो ये प्लाज्मा है इसका फंक्शन क्या है भाई, ये क्यों है, तो याद रखना हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सारा का सारा प्लाज्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्लाज्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के ऊपर, जो कि थोड़ा सा ज्यादा पिछले कंपेरिजन में इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है आरबीसीज। आरबीसीज स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या है इनका फंक्शन, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आरबीसी के अंदर ही एक जबरदस्त पिगमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो हमें रेड दिखता है। कैसा दिखता है? रेड है। तो कोई आपसे बोले कि जो ब्लड का रेड कलर है वो इन चार में से कौन से कंपोनेंट की वजह से है, तो क्या बोलेंगे? आरबीसीज। अरे बोलो यार, आरबीसीज। तो आरबीसीज कंटेन्स अ रेड पिगमेंट, आरबीसीज कंटेन्स अ पिगमेंट व्हिच इज नोन एज हीमोग्लोबिन, एंड ड्यू टू व्हिच द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। पहली चीज। दूसरी चीज, आरबीसीज जो बनते हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं। कहां बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसीज का मैन्युफैक्चरिंग साइट है। अगला पॉइंट, आरबीसीज जो होते हैं ये शेप में बाइकनकेव होते हैं। आप कभी नेट में अगर सर्च मारेंगे बाइकनकेव शेप आपको मिलेगी, तो कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। देखिए इस तरह का, और ऊपर से ऐसे हल्का सा ऊपर से दबे हुए ऐसे, कुछ इस टाइप का शेप होता है बाइकनकेव। ऊपर से दबे हुए है ना, इस तरह की शेप होती है, इसको हम बोलते हैं बाइकनकेव शेप। दोनों साइड से होता है, कुछ इस तरह से ऐसे रिंग्स होता है, बीच में दबी होती है। आपने काफी सारे टैबलेट्स देखी होंगी, है ना, जो पूरी टैबलेट शेप की होती है, सिलेंडर के शेप की, ऊपर से हल्की सी सेंटर से हल्की सी दबी हुई होती है इस टाइप से, है ना। तो इनको बोलते हैं बाइकनकेव शेप। जो इस तरह की शेप होती है इसको बोलते हैं कनकेव शेप, क्योंकि दोनों तरफ से है इसलिए से बोलते हैं बाइकनकेव शेप। अगर एक तरफ से कनकेव है और एक तरफ से प्लेन है तो इसको बोलेंगे प्लेनो कनकेव। क्या बोलेंगे? प्लेनो कनकेव। अगर ऐसा है तो बाइकनकेव, अगर एक से प्लेन है और एक से ऐसा मुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्लेनो कनकेव। एक साइड प्लेन, एक साइड कनकेव, बट दिस इज बाइकनकेव। आरबीसीज कैसे होती है शेप में? बाइकनकेव। कहां बनती है? बोन मैरो में बनती है। इनका जो बनने का जो डेज होता है, इनका लाइफ स्पैन होता है, इट इज अबाउट 120 डेज, ठीक है। तो कोई भी आपसे बोलेगा भैया इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन साफ सीधा है भैया। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रेवल करता है वो हीमोग्लोबिन से मिक्स होकर ट्रेवल करता है, है ना। इसका मतलब मेरी बॉडी को ऑक्सीजन कौन लेके दे रहा है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसी में। तो आरबीसी का एक बहुत तगड़ा फंक्शन है,
इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ना। तो रेस्पिरेटरी जितनी भी गैसेस हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती हैं, हमेशा याद रखना है। तो आरबीसी का जो काम है ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। इसमें एक दिक्कत आती है, पता है, कभी कभी जैसे हमको हमेशा बोला जाता है कि कभी भी क्लोज रूम में जनरली जो कोयला वगैरह है या लकड़ी वगैरह है उसको जला के नहीं रखना चाहिए बंद रूम में। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब भी कभी हम लकड़ी जलाते हैं और लकड़ी जलाने की वजह से उसका इनकम्प्लीट कम्बशन होता है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये कहीं ना कहीं सफोकेशन कॉज कर देती है, पॉइजनस गैस है। कैसे, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, जैसे ही इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है और मान लो ऑक्सीजन भी है, मैंने इनहेल करी, ठीक है, दोनों गैस चले गए अंदर। अब जो मेरा हीमोग्लोबिन है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ऑक्सीजन को पकड़ ले, आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये बायो वायो टॉपिक वॉपिक ठीक है, कुछ समझो हीमोग्लोबिन की और इम्पोर्टेंस समझो। तो अब जैसे मेरे जो मैंने इनहेल करी उसमें दो गैस आ गई, एक तो ऑक्सीजन आ गई और एक कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। अब हीमोग्लोबिन बोला मैं किसको पकड़ूँ। तो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन का पहला प्यार है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन का पहला प्यार है। तो हीमोग्लोबिन इसको पकड़ लेगा, हमेशा याद रखना हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी। हाई एफिनिटी मतलब होता है प्यार, एफिनिटी मतलब होता है प्यार। हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा। अब जैसे ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा आपकी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कमी पड़ जाएगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर आपकी बॉडी में कमी पड़ गई तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्या पहुंच जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको घुटन होगी, बंद कमरे के अंदर क्या होगी, घुटन होगी, और धीरे धीरे आप सॉरी समझ गए ना, बस घुटन होगी, सफोकेशन होगी, ऑक्सीजन मिलेगी, आदमी निपट गया, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि एक क्लोज रूम के अंदर कभी भी वुड्स या फिर कोल या फिर कभी कोई इस तरह का इग्निशन मटेरियल, इग्निशन जो भी सब्सटेंस होता है जो जलाया, धुआं जो धुआं कॉज करता है, स्मोक कॉज करता है, उसे नहीं जलाना चाहिए। भाई साहब समझ गए ना, क्यों जलाना चाहिए, तो रीजन समझे, हम तो बोलते हैं घुटन से मर गए, तो घुटन क्यों हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड आई वो हीमोग्लोबिन से मिक्स हो गई, ऑक्सीजन को उसने मिक्स नहीं होने दिया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची, घुटन हुई, मर गया। तो लॉजिक समझना होता है चीज़ों का ना, सही बात है कि नहीं बात है, इसीलिए हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस पढ़ने का पर्पस ही यही है ताकि हम चीज़ों को क्या करें, हमारी जो चीज़ों में लॉजिक फाइंड करने की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एनहेंस हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज़ हमेशा करनी है, बुक्स पढ़नी है, जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी एबिलिटी एनहेंस होती जाएगी, ठीक है। बायो तो फिर भी मैं नहीं मानता हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो लोग इस फील्ड के हैं उन्हें लगता है, हर किसी की अपने चॉइस होती है, बट स्पेशली फिजिक्स आप जब पढ़ने बैठेंगे मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम दिल निकाल के जाएगा आपका, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सही बात है कि नहीं बात है ना, बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, अगर समझ नहीं आएगा तो खोपड़ी भी खराब कर देगा। सही बात है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं फिजिक्स के अंदर, आपके लाइट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, क्या टॉपिक है यार, बिल्कुल एकदम मतलब प्यार सा जाता है उनके ऊपर। सही बात है कि नहीं बात है, आरबीसी को क्या बोलो यार, है ना। तो बस यही है आरबीसी कहानी, इनका लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का, इट इज राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 120 दिन के आसपास होता है ना। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनका हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त रोल है, उस रोल को अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं थोड़ी सी और, देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं नॉन अन्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसीज का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली आरबीसीज से बड़ा होता है और इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए दे आर नॉन नोन एज न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड दे आर कंपैरेटिवली लार्जर एज कंपेयर टू द आरबीसीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 2 to 3 weeks, इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये 2 से लेकर 3 वीक का होता है। अब सुनिए इनकी इंपॉर्टेंस, इसका जो फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की डेट में हम सबको बताया कि जो COVID-19 का आउटब्रेक इतना खतरनाक हो रखा है कि भाई साहब हर बंदा क्या बोलता है, इम्यून सिस्टम, बॉडी में एंटीबॉडी चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। अरे क्या है वो एंटीबॉडीज, देखिए हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमारी बॉडी में बाहर से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस आ रहा है, जो हमें अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कोरोना हिला दिया, कोना है ना, जैसे हमारी बॉडी में कोरोना आया, ठीक है, तो हमारी बॉडीज के एंटी, हमारे ब्लड के एंटीबॉडीज ने रिस्पॉन्ड और एक बार आया मार दिया, एक बार आया नहीं मार पाया, अटैक कर दिया, है ना। तो एंटीबॉडीज रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पाई, तो इसीलिए हमारे आरबीसीज के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसीलिए बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी मतलब ये हमारे बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में कोई भी जो बाहर से हार्मफुल मटेरियल आ रहा है एंटीबॉडीज
जानती है सही बात है कि नहीं बात है अगर रिस्पॉन्ड करिए समझिए एड्स क्या है एचआईवी क्या है एचआईवी इज नथिंग डिजीज वो डिजीज नहीं है एचआईवी इज नॉट अ डिजीज वो डिजीज नहीं है इट इज जस्ट अ सिंड्रोम वो क्या करता है वो आपकी इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो आप और डिजीजेस से फाइट नहीं कर पाओगे एक छोटा सा जुकाम भी आएगा ना आपको हिला के रख देगा समझ रहे हो जो नॉर्मल जो ह्यूमन हेल्थी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको डायबिटीज होता है लेकिन वो आराम सर्वाइव करते हैं लेकिन अगर एचआईवी वाले को एचआईवी पेशेंट कोई अगर कोई है और उसे अगर डायबिटीज हो जाए भाई साहब हालत खराब जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उन डिजीजेस से फाइट कर सके किसकी वजह से एचआईवी की वजह से तो जो एचआईवी होता है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं तोड़ कर देता है निचोड़ कर देता है हिला कर देता है सही बात है कि नहीं बात है लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है ये है प्लेटलेट्स डब्ल्यू समझ आया बॉडी में लास्ट हमारा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स जो है इसकी कहानी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ आरबीसीज ये कहीं ना कहीं आरबीसी से ही ड्राइव हुए हैं और इन्हें फ्रेगमेंट्स ऑफ आरबीसीज बोला जाता है तो जैसे कि आरबीसी साइज में बहुत छोटे थे प्लेटलेट्स साइज में बहुत छोटे होते हैं आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड थे ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है खून का थक्का जमना देखिए एक बीमारी होती है एक प्रॉब्लम होती है उसमें बेसिकली विटामिन के का भी काफी ज्यादा रोल होता है जैसे मान लिया अगर मान लो मेरे हाथ में यहाँ पर कट लग गया तो कट लग गया ना नॉर्मली क्या होता है हम लोग देखें थोड़ा सा खून निकला कुछ टाइम बाद खून अपने आप रुक जाता है वो फ्रीज वो जम जाता है उसका क्लॉट बन जाता है थक्का बन जाता है ठीक है ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए अगर हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट होने लग गया ना अंदर तो सीरियस इशूज कुछ लोगों के ब्रेन में क्लॉट होने जाता है ब्रेन हैमरेज भी होते हैं लोगों को वो है अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मान लो मेरा हाथ कटा तो ऐसे ब्लड निकला ब्लड यहाँ क्लॉट हो जाना चाहिए ब्लड जम जाता है लेकिन इन लोगों में क्या होता है जिनके पास प्लेटलेट की कमी होती है या विटामिन के कम बनता है ठीक है उनका अगर आप कट मारो तो उनका ब्लड बेहतर रहेगा एक कंपैरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनका ब्लड काफी ज्यादा बह जाएगा ठीक है तो कभी कभी उनको नॉर्मल केसेस में उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है हम लोगों को नॉर्मल चोट लगती है पता है चल कुछ नहीं ऐसे मिट्टी विट्टी लगा ऐसा किया बढ़िया बैटरी लगा अपना ठीक हो गया पर उन लोगों का ब्लड बहता जाता है उनका रुकता ही नहीं है तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एक बड़ी प्रॉब्लम लोगों केस में आ जाती है ठीक है तो अब देखिए समझ आया आपको ब्लड क्या है बोलिए यार आपको ब्लड के कंपोनेंट समझ आए तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी छोटी सी वीडियो बनाई इसमें आपको ब्लड के सारे कंपोनेंट समझ आए होंगे अब जो अगली वीडियो आने वाली है वो आपकी आएगी ब्लड वेसल्स के ऊपर आर्टरीज क्या होती हैं वेन्स क्या होती हैं ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं और फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है ठीक है अब तक आपने ब्लड के फंक्शन के ब्लड के हर एक कंपोनेंट का फंक्शन पढ़ा अब आप इन सबको जोड़ देंगे और कंप्लीटली ब्लड का फंक्शन पढ़ेंगे इसमें सारे मैक्सिमम फंक्शन आप लोगों को पता है ठीक है वही सारे फंक्शन हमने डिस्कस करें वही ब्लड के फंक्शन है भाई जो कंपोनेंट के फंक्शन है वही तो ब्लड के फंक्शन है जो ये चारों अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं वही तो सारे ब्लड के फंक्शन है ना तो हम इनको पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी ब्लड वेसल्स के ऊपर बोलो यार तब तक के लिए जय हिंद।